कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भाई रिजवान सोलंकी के साथ किया सरेंडर। जी हां, कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में यह सरेंडर किया है। कुर्की की कार्रवाई से पहले उन्होंने यह सरेंडर कर दिया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी उनके साथ मौजूद हैं। इरफान पर पड़ोसी महिला का घर फूंकने तथा रंगदारी करने का मामला दर्ज था, जिसके चलते जिसके बाबत वो फरार चल रहे थे। इरफान कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए सरेंडर करने के लिए पहुंच गए थाने। आपको बता दें कि फर्जी पहचान पत्र से हवाई यात्रा के मामले में भी आरोपी हैं इरफान। सपा विधायक इरफान पर गाजगिरी है और अपने भाई के साथ सरेंडर किया है, क्योंकि कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए थे और कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। सपा विधायक इरफान ने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर किया। और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं इरफान अपने भाई के साथ। और आपको बता दें कि कुर्की की कार्रवाई से पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अविनाश सहयोगी। अविनाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ मामला इन पे दर्ज है और पहले भी क्या कुछ मामले इन पर रहे हैं जिसकी वजह से ये फरारी पे थे और अब जाके उन्होंने सरेंडर किया है? देखिए, बिल्कुल, सपा विधायक इरफान सोलंकी आज जो है कमिश्नर ऑफिस कानपुर वहां सरेंडर करने पहुंचे थे, जिनके साथ उनके भाई भी वहां पर मौजूद है। आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से जो सपा विधायक है इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान, उन पर जो है तमाम तरीके के जो है मुकदमे दर्ज थे, जिसके चलते वो फरार चल रहे थे। आज वो जो है कमिश्नर ऑफिस में वहां पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि जो इस दौरान विधायक हसन रूबी जो और तमाम जो वहां पर उनके साथी थे वो भी मौजूद रहे। इससे पहले बताया आपको कि एक भूमि विवाद था, जिसमें एक महिला को कथित रूप से परेशान करने और उसके घर में आग लगाने का आरोप था, जिसके खिलाफ जो है कानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जब उनको दबिश देने के लिए उनके घर पहुंची, तब ये लोग वहां से फरार चल रहे थे। तो आज इस पूरे मामले के बाद जब तमाम तरीके के कुर्की के आदेश हुए सरकार की तरफ से, तब आज वो सभी लोग परिवार सहित यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का क्या कहना था कि ये मामला कितना पेचीदा था और कब से ये फरार चल रहे थे? देखिए, पूरा मामला पिछले 8 नवंबर का है, जब बीती रात जब पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए गए थे, तो यहां पर इरफान सोलंकी सहित तमाम उनके जो परिजन थे वो वहां से फरार चल रहे थे। इससे पहले अगर बात करें तो तमाम तरीके के अपराध मृत्युदंड के हिसाब से वहां पर उनकी कार्रवाई चल रही थी। इसके साथ साथ अगर बताएं तो आपको कि जब अविनाश आप तक आवाज पहुंच रही है, अविनाश से संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी है उसके तहत नवंबर का ये पूरा मामला है, जब इन्होंने अपने एक पड़ोस में रहने वाली महिला को तंग किया, उसके घर में आगजनी की इनका आरोप इस पर उस महिला ने लगाया था, जिसके तहत ये फरारी पर थे, फरार चल रहे थे। अब जब कुर्की की कार्रवाई होनी थी, तो उससे पहले कमिश्नर ऑफिस में जाकर दोनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया। अब देखना यह होगा इस पूरे मामले पे इन्हें सजा होती है या नहीं होती है। को बता दें कि सपा को एक झटका और लगा है, जिसमें उनके ये विधायक इरफान और उनके भाई अब जेल जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरा मामला एक पड़ोस में रहने वाली महिला ने लगाया है, आगजनी का मामला है, परेशान करने का आरोप है, पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। अब ये पहुंचे हैं, सरेंडर कर दिया। देखने वाली बात होगी कोर्ट से इन्हें क्या कुछ राहत मिलती है या फिर ये मुकदमा कितना लंबा चलता है।